तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि किनर के साथ उसकी मास्टर मिलने के लिए आ जाती है और वो उसे बताने लगती है कि तुम्हें शादी करना ही होगा, नहीं तो हम लोगों के सेक्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ सकता है। इस पर किनर बोलती है मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ। तभी उसकी मास्टर समझाने लगती है कि मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और वो ये बोलकर इज्जत से चली जाती है। इसके बाद किनर बोलती है तेन्यू क्या तुम इस वर्ल्ड में जिंदा हो, अगर तुम जिंदा हो तो क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को मिस पिंक को दिखाया जाता है जो कि मेधावंती वंश को देखकर बोलती है ये हम लोगों की सेक्ट की गरिमा है। और आज मैं मिस पिंक इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हूँ कि मेधावंती वंश के जितने भी डिसाइपल हैं उन लोगों ने अपनी बहुत ही ज्यादा पावर को बढ़ा लिया है। और साथ ही मुझे तेन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि उसने इस कंपटीशन को जीत लिया है। इसलिए आज मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलते हूँ, क्योंकि तुम लोग अगर नहीं होते तो मेधावंती वंश कभी भी इस कॉम्पिटिशन को नहीं जीत पाता। इस पर तेन्यू बोलता है ये तो हम लोगों का फर्स्ट था, आपको थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर मिस पिंक तेन्यू मैंगी और चिंगफेंग को बताने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर 7 दिनों तक आराम करोगे, इसके बाद 7 तारीख को इस जगह पर शाम को 7 बजे तुम लोग आ जाओगे। इस पर तेन्यू और उसके सभी साथी भी हाँ बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मिस पिंक अपने मास्टर का इंतजार कर रही थी। इस चीज को देखकर सेल सुजैन बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा बुड़बक हो क्योंकि 9 जन्मों से तुम इस जगह पर अपने मास्टर का इंतजार कर रही हो, और मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे मास्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो इस चीज को नहीं देख सकता है कि तुम उससे प्यार करती हो, इसलिए तुम्हें भी बिना कोई टाइम जाना किए अपने मास्टर को ये सब बातें बोल देनी चाहिए। इस पर मिस पिंक बोलती है सैन सुजन कल हम लोग सोल पैलेस में जाने वाले हैं, इसलिए फिलहाल के लिए इन सब बातों को अभी साइड में कर रख दो क्योंकि सोल पैलेस का रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है और उसमें हम लोगों को 1 ईयर का टाइम भी लग सकता है, इसलिए मुझे अपने मास्टर के ऊपर पूरा भरोसा है कि वह मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। इस पर सैन सुजन यहाँ पर मिस पिंक को बताने लगती है कि मैं देख सकती हूँ कि तुम अपने मालिक से प्यार करने लगी हो और यह चीज तुम्हारे आंखों में साफ साफ मुझे दिखाई दे रही है। इस पर मिस पिंक बोलती है तुम यहाँ पर ये कैसी बातें कर रही हो। इस पर सैन सुजन बोलती है मैं यहाँ पर अंधी नहीं हूँ और मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि तुम अपने मास्टर से प्यार करती हो, इसलिए तुम्हें बिना कोई टाइम जाए कि अपने मास्टर को इस चीज के बारे में बता देना चाहिए, नहीं तो बाद में तुम्हें इस चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ सकता है। इस पर मिस पिंग कुछ देर सोचने के बाद अपनी बहन को बताने लगती है कि मेरे मास्टर का मैं एक लौता डिसाइपल हूँ और जब पिताजी की मृत्यु हो रही थी तब मास्टर ने वादा किया था कि वह मेरा हमेशा ख्याल रखेगा, इसलिए जब तक मुझे मास्टर के साथ रहने का मौका मिलता है तब तक मैं मास्टर के साथ रहूंगी। इस पर सैन सुजन बोलती है मुझे पता है कि तुम अपने मास्टर से प्यार करती हो लेकिन तुम इस चीज को किसी को बताना नहीं चाहती हो, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा रात हो गई है इसलिए तुम्हें और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। इस पर मिस पिंक बोलती है मुझे अपने मास्टर के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो इस जगह पर आएंगे। तभी हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ में इस जगह पर आ जाता है, जिसे देखकर मिस पिंक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो सीधे यहाँ पर तेन्यू को गले से लगा लेती है। इसके बाद सैन सुजन भी तेन्यू को ग्रीट करती है। तभी तेन्यू मिस पिंक को बताने लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा खुश क्यों लग रही हो। इस पर मिस पिंक बताने लगती है कि मैं इसलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हम लोगों के सेक्ट के डिसाइपल ने इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया है। और इन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद सैन सुजन हम लोगों को बताने लगती है कि मेरी बहन पूरी तरह से पागल हो गई है क्योंकि वो अपने मास्टर से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी है, इसलिए मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेन्यू मिस पिंक को बोल रहा था ताई चुंग दे ने फायर और एनिमल स्प्रिट को क्या भेजा था। इस पर मिस पिंक बोलती है नहीं मास्टर, लेकिन क्या आप मुझे इस चीज को बता सकते हो, क्या आप इसी चीज की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए थे। इस पर तेन्यू बोलता है नहीं मैं इस जगह पर तुमसे मिलने के लिए आया था। इस बात का सुनकर मिस पिंक थोड़ी सी खुश हो जाती है लेकिन तभी तेन्यू बोलता है साथ ही मुझे यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात भी बताना है जो कि यह है कि 1.5 साल के लिए मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इस काम को खत्म करने के बाद मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए आऊंगा। इस पर मिस पिंक थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो अपने मन में सोचने लगती है कि तेन्यू यहाँ पर सीधे सीधे मुझे क्यों नहीं बता देता है कि उसे सोल पैलेस में फाइट करने के लिए जाना है। तभी तेन्यू बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, 1.5 साल का समय बहुत ही ज्यादा कम होता है और वो बहुत ही जल्द बीत जाएगा। इस पर मिस पिंग तेन्यू को ज्यादा जोर से दबाने लगती है जिसकी वजह से तेन्यू बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। इस पर मिस पिंग बोलती है आपने उस समय खत छोड़कर मेरे लिए क्यों रखा था और आपने मुझे जाने से पहले बाय भी नहीं बोला था, इसी चीज का गुस्सा मुझे अब तक है। इस पर तेन्यू बोलता है उस चीज के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इस बात को सुनकर मिस पिंग बोलती है मैंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की शराब इस जगह पर मंगवा कर रखी है, क्या आप मेरे साथ इस जगह पर ड्रिंक करना पसंद करोगे। इस पर तेन्यू बोलता है जब भी मैं मिस पिंग को देखता हूँ तब मुझे किंगर की याद आती है, लेकिन अब उसके पास कोई है जिसे वो पसंद करती है, और वो ये बोलकर मिस पिंग को यहाँ पर हाँ बोल देता है।
इस पर मिस टिंग भी बहुत सारी वाइन की बोतल को अपेयर कर लेती है और इनमें से एक बोतल को पीते हुए बोलती है, मास्टर आप भी शुरू कर सकते हैं। इस पर तेन्यू भी वाइन को पीने लगता है और ऐसे ही कुछ देर का टाइम बीत जाता है और इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा शराब पी लिया था, इसलिए मिस पिंग यहाँ पर होश में नहीं होती है और वो तेन्यू को बताने लगती है कि मास्टर मैं किसी को पसंद करती हूँ लेकिन मैं उन्हें बता नहीं पा रही हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। और इस बात को जानने के बाद क्या आपको मेरे लिए खुशी महसूस हो रही है? इस पर तेन्यू बोलता है, हाँ मुझे तुम्हारे लिए खुशी महसूस हो रही है। और वो ये बोलकर और भी ज्यादा शराब को पीने लगता है और साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था यह किंगर नहीं है। तभी मिस पिंग तेन्यू के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाती है जिसकी वजह से तेन्यू यहाँ पर ब्लश करने लगता है। तभी मिस पिंग बोलती है, मेधावी वंश का तेन्यू जिसे मैं पसंद करती हूँ। इस बात को सुनकर तेन्यू भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है और वो बोलता है तेन्यू का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। तभी मिस पिंग बोलती है, मुझे नहीं पता है कि तेन्यू मुझे पसंद करता है या नहीं। और मास्टर क्या आपको भी लगता है कि तेन्यू मुझे पसंद नहीं करेगा? क्योंकि तेन्यू के पास पहले से ही एक मंगेतर है जिसका नाम मेई है और वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसलिए क्या वो उसे छोड़कर मुझसे शादी करेगा? क्योंकि मैं तो अपने डिसाइपल से ही प्यार करने लगी हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ पर रोने लगती है। इस चीज को देखकर तेन्यू बोलता है, मुझे लगता है तेन्यू तुमसे प्यार कर सकता है लेकिन वो तुम्हें अपनी मास्टर के रूप में देखता है, इसलिए अपने प्यार को कन्वर्स करने में उसे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इस पर मिस पिंग बोलती है, अगर तेन्यू ने मुझे मना कर दिया तो क्या आप जीवन भर मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? इस पर तेन्यू को ना चाहते हुए भी यहाँ पर बोलना पड़ता है, अगर तेन्यू ने तुम्हें मना कर दिया तो मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ और साथ ही मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भी तैयार हूँ। इस बात को सुनकर मिस पिंग बोलती है, मास्टर अभी अभी आपने मुझसे वादा किया है, आप इस बात को भूलना मत। और वो यह बोलकर तेन्यू के बाहों में ही बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर तेन्यू बोलता है, तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। और वो ये बोलकर उसे उठाकर ले जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर तेन्यू ने मिस पिंग को बेड पर सुला दिया था और वो बोलता है, तुम्हारी और किंगर की शक्लें एक जैसी है और तुम दोनों एक जैसे ही डांस करते हो, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम अपने डिसाइपल से प्यार करती हो। और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तभी मिस पिंग अपने बेड से उठ जाती है और वो बोलती है, मुझे आप पसंद हो इसलिए मैं किसी भी हालत में आपको हासिल करना चाहती हूँ। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर तेन्ताई इन लोगों को लेने के लिए आ गया था, जिसे देखकर तेन्यू और उसके सभी साथी मास्टर तेन्ताई को ग्रीट करते हैं और एक एक करकर मास्टर तेन्ताई की बोट में आ जाते हैं। तभी मिस पिंग और इसकी सिस्टर भी इस बोट के ऊपर में आ जाते हैं। तभी सभी डिसाइपल यहाँ पर तेन्यू के इस कंपटीशन को जीतने के लिए प्रे करने लगते हैं। इस पर तेन्यू बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ही इस कंपटीशन को जीतूंगा। और वो ये बोलकर मास्टर तेन्ताई को बोलता है, क्या आप अपने साथ और दो डिसाइपल को ले जा सकते हैं? इस पर मास्टर तेन्ताई भी राजी हो जाता है। तभी ये दोनों भी आ जाते हैं। इस चीज को देखकर मिस पिंग भी मास्टर तेन्ताई को बोलती है, मैं भी अपनी डिसाइपल को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर मास्टर तेन्ताई भी हाँ बोलता है और ये लड़की भी बोट के ऊपर आ जाती है। इसके बाद मिस पिंग सेकेंड हैंडलर को बताने लगती है कि अब से मेधावंती वंश आपके हुक्म का पालन करेगा और आप जो भी बोलोगे इसका हर कोई पालन करेगा। इस पर सेकेंड हैंडलर भी मिस पिंग को यहाँ पर ग्रीट करता है और वो बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।